इसराइल में ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 इसराइली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की और उनके लिए सैकड़ों काम किए। इसराइल पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह सबसे गंभीर मामलों में से एक है, इसके लिए उन्हें मौत की सजा हो सकती है। ये सभी आरोपी हाइफा या फिर उत्तरी इसराइल के रहने वाले हैं। इसमें से एक सैनिक भी शामिल है जो कुछ साल पहले सेना छोड़कर भाग गया था। इसके अलावा आरोपियों में 16-17 साल के 2 नाबालिग भी हैं। इनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 2 साल में करीब 600 मिशन पूरे किए। उनका कहना है कि आरोपी पैसे के लालच में ईरान के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इन्होंने इसराइल के सैन्य ठिकानों से लेकर परमाणु हथियार गोला बारूद की जानकारी ईरान को दी है। इनकी दी गई जानकारी पर ईरान ने इसराइल में कई जगहों पर हमले भी किए। संदिग्धों पर तेलवीव में रक्षा मुख्यालय और नेवातीम और रतम डेविड एयरपोर्ट समेत IFD ठिकानों की तस्वीरें लेने और जानकारी इकट्ठा करने का आरोप है। इन जगहों पर हिजबुल्ला और ईरान हमले कर चुका है। नेवातीम बेस पर ईरान ने 1 अक्टूबर को 2 मिसाइल दागी थी। वही रमत डेविड पर हिजबुल्ला हमला कर चुका है।